तो अभी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग अभी एक न्यू वर्ड के बारे में सीख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं एंथैल्पी। मीनिंग के तरफ से इसका देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। मीनिंग जो होगा इसका मीनिंग होता है हीट कंटेंट, इसका मीनिंग होता है हीट कंटेंट। पूरा लिख देता हूं, मीनिंग जो है हीट कंटेंट, ये जनरल मीनिंग होता है। लेकिन मैथमेटिकली क्या होगा, जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, तो पढ़े हैं। दूसरी चीज हम लोग पढ़े हैं, अच्छा दोनों इस तरफ से लेता हूं तो सही रहेगा, एक एक साइड से। और W इक्वल्स टू क्या पढ़ा, माइनस पी डेल्टा भी, ये भी पढ़ा। तो अभी ये दोनों को मिक्स करके तीसरा एक चीज आ जाएगी, वो क्या होगा, डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा भी। ये चीज क्लियर हुआ, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तीनों चीज पढ़ चुके, 1 2 3, इज इट क्लियर ना बेटा। ये हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से ये वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा भी, दोनों को जोड़ दोगे तो ये चीज आ जाएंगे, इज इट क्लियर। नाउ इसके बाद जैसे 1 2 3 4 करके लिख देता हूं, फोर्थ में एक एंथैल्पी बोल के एक चीज आया था। मान लो जैसे फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते थे, ओके, जैसे हम लोग बोलते थे जो एक्स अपॉन टी ये वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी अपॉन टी एक्सीलरेशन होती थी, इस तरीका से चलता था, है ना। कोई चीज को किसी से डिवाइड कर दिया, कोई चीज को ऐड कर दिया, जैसे एस इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस तरीका से थी, है ना। ये जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे ना, कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर देना, जोड़ देना, इस तरीका से। तो इस जगह पे एंथैल्पी बोल के जो एच आया था, ये तो एक यू था, एक यू था और एक प्रेशर वॉल्यूम था। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन जैसे तुम लोग बोला था, यू प्लस पी भी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या, इसका नाम दिया गया था एच। तो जो हीट कंटेंट की बात जो थी वो क्या था, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन होते हैं, इज इट क्लियर। इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते थे, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज द सम ऑफ यू, यू मीन्स इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम में चेंज हुआ तो वर्क डन हुआ, और उसके पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी बचा था, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी और उसके ऊपर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के वजह से जो एनर्जी आया, दोनों का सम को मिला के क्या बोलते थे, उसके पास इतना एंथैल्पी है, ओके। और दैट मींस क्या, उसके अंदर कंटेंट कितनी है, जैसे एक वर्ड दिया था ना हीट कंटेंट, तो इसके मतलब उसके पास यू भी है और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी है, दोनों मिला के जो टोटल है उसी को ही क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर। उसके पास इंटरनल एनर्जी कितनी थी और उसके ऊपर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कितना था। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ बैंक बैलेंस थे, अभी बाहर से भी कुछ पैसा आ गई, तो तुम्हारे अंदर मनी कंटेंट कितना होगा, टोटल जो तुम्हारे पास थे, इंटरनली तुम्हारे पास प्रेजेंट थे और जो एक्सटर्नली तुम्हारे पास से आ गई, ठीक है बेटा। तो एंथैल्पी दैट इज एच, ओके। एच मतलब ध्यान रखो, जितना आएगा उतना हैप्पी हो जाओगे, लाइक दैट, ओके, तो याद रहेगा। अभी फिफ्थ पॉइंट में हम लोग एक चीज और इसमें से बताते हैं। एच जो होता है, अभी देखो एच जो होता है, यहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये प्रेशर वॉल्यूम बोलते हैं ना, ये बोला जाता है क्यूपी, इसी को क्या बोलते हैं, क्यूपी। एक्चुअली दो चीज होती है,
एक होता है क्यूपी और एक होता है क्यूवी। कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, कांस्टेंट प्रेशर में कितना एनर्जी है। एक होता है क्यूपी, एक होता है क्यूवी। ओके, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रेशर कुकर होती है, एक भगोना में जब मान लो तुमने कोई चीज गर्म कर रहे हो और एक प्रेशर कुकर में कोई चीज गर्म कर रहे हो, इसमें खाना बॉईल करना है, राइस को बॉईल करना है और इसमें भी राइस को बॉईल करना है, सब कुछ। एक इसमें होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा और क्या होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज वन एटमोस्फियर प्रेशर। यहाँ पे तो प्रेशर चेंज हो जाती है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होते हैं। हीट देते हैं तो क्या होता है, उसके वॉल्यूम बढ़ते हैं लेकिन वन एटमोस्फियर प्रेशर ही रहते हैं। तो ये जो होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में और ये होता है कांस्टेंट प्रेशर में। ये वाला वर्ड क्लियर बेटा, प्रेशर कुकर वाला जो बात बताया, बात समझ में आया। वहां पे जो हीट देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में और यहाँ पे जो हीट देते हैं कांस्टेंट प्रेशर में, तो इस टाइप का दो बातें हैं। अभी हम लोग ये चीज करते हैं, एच यू प्लस पी भी था। अभी हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बेटा, जैसे बोलते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डीवाई डी टी इस तरीका से करते, लेकिन यहाँ पे और ऐसा नहीं करते। यहाँ पे क्या लिखते, डिफरेंशिएशन के डेल्टा एच और डेल्टा यू प्लस पी भी। ठीक है, अभी डेल्टा एच इधर हो गया, यहाँ पे डेल्टा यू हो गया और डेल्टा पी भी। अभी कौन कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, डेल्टा एच इक्वल्स टू, ओके, डेल्टा एच इक्वल्स टू, इस चीज को हम लोग लिखेंगे। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, अनदर एक्स, ये आ गया बेटा फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज क्लियर। अच्छा, फिर इधर से और एक फॉर्मूला लेके आते हैं। इस तरीका से क्या होता है, डिफरेंट टाइप का रिलेशंस बनाया जाता है इस जगह पे। कभी कभार रिलेशन से किसी किसी को डिफिकल्टीज आ जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो अब बेटा यहां से और कुछ हम बता रहे हैं, देखो यहां से डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा भी था, तो यू मतलब यू टू माइनस यू वन, क्यू पी है तो कॉन्स्टेंट है, पी डेल्टा भी मतलब वी टू माइनस वी वन। ओके, अभी देखो ये जो यू टू है माइनस यू वन, ये हो गया क्यू पी माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन। इज इट क्लियर। डेल्टा यू मतलब क्या, फाइनल जो तुम्हारे इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, क्यू पी तो कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे डेल्टा वी जो है ना, भी जैसे लिखे वी टू माइनस वी वन इन टू कर दिया आ गया, तो टू वाले को एक साथ ले लेते हैं, यू टू प्लस पी वी टू माइनस यू वन माइनस पी वी वन इक्वल्स टू क्यू पी, है ना। तो यू टू प्लस पी वी टू माइनस यू वन प्लस पी वी वन इक्वल्स टू क्यू पी। अभी इसको क्या कहते हैं बेटा, इस जगह पे U प्लस पी वी को क्या कहते हैं, H। तो U2 प्लस पी वी टू को क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे U2 प्लस पी वी टू को क्या कहेंगे बेटा, H2। इसको क्या कहेंगे, H1 इक्वल्स टू क्यू पी, तो डेल्टा H इक्वल्स टू क्यू पी। तो तुमको डेल्टा H फाइंड करना है, क्यू पी तुमको दे दिया था, अभी भी कर सकते हो, सिक्स वाला एक आ गया। मान लो डेल्टा यू दिया, पी डेल्टा भी दिया, तभी भी डेल्टा एच फाइंड कर सकते हो। ओके बेटा, और तुम देखो ये दोनों को मिक्स कर दो,
ये दोनों को ऐड कर, ये दोनों को मिक्स कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्वल्स टू क्यू पी, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, कोई वाला भी दोबारा वापस आ जाएंगे, बात तो बराबर है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो हर चीज को डेल्टा एच के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, इसको भी डेल्टा एच के रेस्पेक्ट में लिखा, एंथैल्पी चेंज इसको भी डेल्टा एच के रेस्पेक्ट में लिख दिया। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। दिस क्वांटिटी का नाम क्या हुआ, एंथैल्पी। बेटा आज जो मैंने लिखा है ये याद हो गया, ये वाला याद हो गया, समझ में भी आ गया, ये वाला भी दोनों को मिक्स करके आए इस जगह पे, फोर्थ में ये वाला आई एच इक्वल्स टू प्लस पी भी, फाइव में एच इक्वल्स टू प्लस पी भी था, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। करने के बाद फिर ये वाला आ चुका है, केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन इस तरीका से बताया जाता है, चेंज, डेल्टा मींस चेंज। उसके बाद ये वाला ये तो था ही था, डेल्टा यू में ऐसा लिखा, क्यू पी एज इट इज रखा, डेल्टा वी में वी टू माइनस वी वन रखा, तो इसको यू टू माइनस यू वन यहाँ पे चीज आए, टू वाले को एक साथ वन वाले को एक साथ रखा, इसको एच टू लिखा, इसको एच वन लिखा, तो यहाँ पे क्यू पी आया, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हुआ, क्यू पी। तो अभी ये सिक्स तक जो छह फॉर्मूला लिखा है समझ में आया, इज इट क्लियर, इसका यूज बाद में बताएंगे हम, इज इट क्लियर लक्षित ऋषि राहुल अभिनव बुलबुल पाखी, हाँ पिक सेंड कर रहा हूँ बेटा, सेंड कर दे रहा हूँ, ओके बेटा ओके। लक्षित आवाज नहीं है बेटा, अच्छा अभी थोड़ा केमिस्ट्री का रिवीजन कराएंगे।